स्वागत है द न्यूट्रिगल चैनल पे। आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में हमारे सबसे जबरदस्त फोन्स जिनको आप ले सकते हैं 10 से 15,000 रुपए की रेंज में। ये जो हमारी रेंज होती है 10 से 15,000 रुपए वाली, ये हमारी सबसे खतरनाक रेंज होती है, क्योंकि इसके अंदर जो डिवाइसेस आते हैं वो सारे ही मतलब फीचर्स से भरे हुए डिवाइसेस होते हैं, और इसीलिए इतना कंफ्यूजिंग हो जाता है कि कौन सा चूज करें, मतलब कौन सा हमें खरीदना चाहिए, कौन सा नहीं खरीदना चाहिए। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ कि मेरे हिसाब से सबसे जबरदस्त फोन कौन से हैं इस रेंज के। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम तीसरी पोजीशन पे। तीसरी पोजीशन पर आता है हमारे पास सैमसंग का डिवाइस। सैमसंग पे बहुत लोग विश्वास करते हैं, तो हमारे पास सैमसंग का एक बहुत ही भरोसेमंद डिवाइस है जो कि काफी लोगों का फेवरेट डिवाइस है। डिवाइस है हमारा सैमसंग M30। सबसे जबरदस्त चीज इस डिवाइस की है इसका बैटरी बैकअप। इसका मैंने बैटरी ड्रेन टेस्ट किया था और एकदम मजा आ गया था इस डिवाइस को पूरे दिन यूज करने में। हमें एकदम कमाल का बैटरी बैकअप मिलता है। आप मजे से डिवाइस को यूज करो, कुछ भी करो, आपका एक दिन तो मतलब कहीं नहीं जाने वाला। 5000 mAh की हमें इसके अंदर बड़ी बैटरी मिलती है और उसके साथ 15 W का फास्ट चार्जर, तो बैटरी की आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और साथ में सैमसंग ने फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर ही दिया है। साथ ही इसके अंदर हमें 6.4 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है, जो कि हमारा सुपर एमोलेड डिस्प्ले है इन्फिनिटी यू नॉच के साथ। तो डिस्प्ले हमारा एकदम ब्राइट कलरफुल सा है, एकदम मजे से आप एंजॉय करोगे वीडियोस में, गेम्स में, मूवीज में, बहुत ही मजा आता है इसके अंदर। प्रोसेसर की बात करें तो हमें इसके अंदर मिलता है सैमसंग एक्सिनोस 7904 का प्रोसेसर। बजट के हिसाब से देखा जाए तो प्रोसेसर हमारा थोड़ा सा छोटा आता है। गेमिंग रिव्यू भी किया हुआ है, ऑलमोस्ट मैंने इसकी सारी टेस्टिंग करी हुई है, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएंगे उनके। और उसके साथ डिवाइस का जो कैमरा है वो भी हमारा काफी अच्छा है। बैक में आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलता है 13+5+5 का, जिसमें से 13 वाला मेन हो गया, 5.1 हो गया हमारा वाइड एंगल और दूसरा 5 हो गया हमारा डेप्थ सेंसर। आप अपनी क्रिएटिव पिक्स ले सकते हैं, मतलब आप वाइड एंगल पिक्स ले सकते हैं, ग्रुप फोटोग्राफ्स ले सकते हैं, डेप्थ सेंसर में पिक्स ले सकते हैं। और फ्रंट में हमें मिलता है 16 MP का सेल्फी कैमरा, वो भी हमारा काफी सही पिक्स ले लेता है। आप इसके सैंपल्स देख सकते हैं आपके सामने है। और ओवरऑल देखा जाए तो डिवाइस का जो डिजाइन है, ग्रेडियंट शेड हमें इसके अंदर मिलता है, और डिवाइस को आप इजीली एक हाथ से होल्ड करके यूज कर सकते हैं। इसके अंदर हमें टाइप सी पोर्ट भी मिलता है, बस कमी ये आ जाती है कि इसके अंदर हमें प्लास्टिक बॉडी मिलती है, तो डिवाइस आपको इतना प्रीमियम लुकिंग नहीं लगेगा हाथ में होल्ड करने में, बट वैसे होल्ड करने में आपके लिए इजी रहेगा एक हाथ से यूज करने में। तो ओवरऑल ये सैमसंग की तरफ से हमारा एक बढ़िया डिवाइस बन जाता है, जो कि आपको 15,000 रुपए में मिल जाएगा। और इसकी सारी टेस्टिंग आप देख सकते हैं, अगर आपने ये डिवाइस लेना हो तो मेरी माने सारी पहले टेस्टिंग देख लें, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। टेस्टिंग के लिंक, खरीदने का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया हुआ है। अब सेकंड पोजीशन पे हमारे पास जो डिवाइस आता है वो पहले हमारी फर्स्ट पोजीशन पर था। डिवाइस है हमारा रेडमी का Note 7 Pro। डिवाइस बहुत बढ़िया है, सारी चीजें बढ़िया है। पहले मैं आपको इसके स्पेक्स बताती हूँ, फिर बताती हूँ कि ये सेकंड पोजीशन पे क्यों आया। इस डिवाइस के अंदर हमें सबसे बढ़िया चीज जो मुझे लगती है, तो ग्लास बॉडी मिलती है, प्रीमियम ग्लास बॉडी, जो आपको बढ़िया फिनिश देगी, बढ़िया लुक देगी, हाथ में होल्ड करने में डिवाइस आपको काफी प्रीमियम फील देगा। उसके बाद इस डिवाइस के अंदर हमें स्नैपड्रैगन 675 का प्रोसेसर मिलता है, तो परफॉर्मेंस आपको अच्छी मिल जाती है। इसका मैंने गेमिंग कंपैरिजन किया हुआ है, गेमिंग रिव्यू भी किया हुआ है, आप देख सकते हैं गेमिंग चैनल पे। और डिवाइस के अंदर हमें 4000 mAh की बैटरी मिलती है, फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन फास्ट चार्जर नहीं मिलता बॉक्स के अंदर। हालांकि एक 500 रुपए का फास्ट चार्जर है MI का, अगर आप वो लेना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं आपको उसका लिंक दे दूंगी, आप ले सकते हैं, उससे आपकी जिंदगी थोड़ी आसान हो जाएगी, जैसे मैंने अपनी आसान करी है। साथ ही इस डिवाइस के अंदर हमें 6.3 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलता है डॉट नॉच डिजाइन में, तो डिस्प्ले वाइज भी डिवाइस को आप अच्छे से इंजॉय करेंगे। और इसके ऊपर गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन मिलती है आप। इसके बाद अगर हम इसका कैमरा की बात करें तो कैमरा मेन आ जाता है हमें इसके अंदर 48+5 MP का डुअल कैमरा सेटअप बैक में मिलता है। पिक्स आपकी बहुत बढ़िया आ जाती है, बढ़िया डिटेलिंग वाली, बढ़िया कलर्स वाली, एकदम अच्छे डायनामिक रेंज वाली, मतलब एकदम कमाल की पिक्स आएंगी आपकी। और उसके साथ 13 MP का सेल्फी कैमरा है, वो इतना बढ़िया नहीं है, ओके मिल जाता है इस बजट के हिसाब से। अब ये जो हमारा डिवाइस है ये ओवरऑल बहुत ही मस्त डिवाइस है, लेकिन अभी भी ये हमारी सेकंड पोजीशन पर आया है, और Xiaomi अगर आगे भी नहीं सुनेगा कस्टमर्स की तो ये इस लिस्ट से बाहर हो जाएगा, क्योंकि इस डिवाइस के अंदर एक प्रॉब्लम आ रही है वीडियोग्राफी में। तो इसके अंदर आपका वीडियो वो बहुत ज्यादा हैंग होने लग जाएगा, अटकने लग जाएगा, तो ये एक मेजर प्रॉब्लम है इसकी। अब वीडियोग्राफी एक्चुअल में देखी जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आप कहीं पे मैरिज में हैं, आप कहीं पे किसी के बर्थडे पे हैं, आप केक काट रहे हैं, मतलब कोई केक काट रहा है, आप वीडियो बना रहे होते हैं। काफी लोग हैं आजकल वीडियोग्राफी बहुत ज्यादा बनाते हैं, मतलब बच्चे का फंक्शन है, कोई छोटा बच्चा है, उसकी वीडियो बना रहे हैं। वीडियोग्राफी हमारे आजकल की लाइफ में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है, और इसके अंदर वीडियोग्राफी में हमें मेजर इशू देखने को मिल रहा है, और काफी
टाइम से मिल रहा है, पर Xiaomi का कोई अपडेट भी आया है उसके बाद भी वो चीज इंप्रूव नहीं हुई है। अभी भी Xiaomi सुन नहीं रहा। मतलब प्रोसेसर हमें इसके अंदर बढ़िया मिल जाता है स्नैपड्रैगन 675 का, इसके अंदर हमें जो कैमरा है वो भी एकदम मस्त मिल जाता है, सेंसर जो है बड़ा सेंसर दिया गया है, लेकिन स्टिल ऑप्टिमाइजेशन वो नहीं कर रही है। तो कस्टमर की एक्चुअल में प्रॉब्लम आ रही है, कस्टमर ने आपका जो फोन खरीदा है वो उसको पूरी तरह एंजॉय नहीं कर पा रहा है। तो इस पर कंपनी को सुनना चाहिए। कंपनी अगर इस पर सुन के अपडेट जल्दी से निकाल दे, क्योंकि एक्चुअल में जो हमारे पास बाकी डिवाइसेस है स्नैपड्रैगन 675 के साथ, उनमें किसी में प्रॉब्लम हमें नहीं आ रही इस कैमरा सेटअप के साथ भी, लेकिन इसमें हमें आ रही है। तो मे बी कोई ऑप्टिमाइजेशन इशू है, अगर Xiaomi इसको ठीक कर दे तो ये हमारा बढ़िया फोन बन जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है हमारा नंबर वन पोजिशन में Realme 3 Pro। इस डिवाइस के अंदर हमें मिलता है स्नैपड्रैगन 710 का प्रोसेसर। इसका भी गेमिंग रिव्यू आप देख सकते हैं, गेमिंग कंपैरिजन देख सकते हैं, बढ़िया परफॉर्मेंस मिलती है हमें इस डिवाइस के अंदर। साथ ही इसके अंदर हमें 6.3 इंच का फुल एचडी प्लस डिस्प्ले मिलता है वाटर ड्रॉपलेट डिजाइन में, तो डिस्प्ले को भी आप बहुत ही अच्छे से इंजॉय करेंगे। साथ ही गोरिल्ला ग्लास 5 की आपको प्रोटेक्शन मिल जाती है इस डिवाइस के ऊपर, और इसके साथ बैटरी आपको बड़ी मिलती है 4045 mAh की, साथ में वोक चार्ज 3 मिलता है, तो डिवाइस को आप आराम से यूज कर सकते हैं। आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिल रहा है, साथ में फास्ट चार्जर भी बॉक्स के अंदर मिल रहा है, तो ये बढ़िया चीज हो जाती है। इसके साथ 25 मेगापिक्सल का हमें सेल्फी कैमरा मिल रहा है इसके फ्रंट साइड में, तो आप अच्छी सेल्फीज ले सकते हैं इस डिवाइस से। और इसके साथ जो बैक कैमरा है वो है हमारा 16+5 मेगापिक्सल का, उसके सैंपल्स भी आप देख सकते हैं आपके सामने है। तो ओवरऑल ये डिवाइस हमारा काफी सही बन जाता है। इसके अंदर कमी आ जाती है कि प्लास्टिक बॉडी मिलती है तो वो आपको इतनी बढ़िया लुक, इतनी बढ़िया फिनिश नहीं देगी जैसे कि हमें जो ग्लास बॉडी में लुक मिलती है, लेकिन वैसे ओवरऑल डिवाइस होल्ड करने में आपको ठीक लगेगा। और ओवरऑल देखा जाए तो डिवाइस हमारा काफी बढ़िया है परफॉर्मेंस वाइज, कैमरा वाइज, मतलब बैटरी बैकअप वाइज, आप हर तरीके से कह सकते हैं ये ओवरऑल हमारा एक कमाल का डिवाइस बन जाता है, इसीलिए ये हमारे नंबर वन पोजिशन पर आया है। सो गाइस, ये थे हमारे तबाही फोन्स 10 से 15 हज़ार रुपए की रेंज में। मैं आगे आप लोगों के लिए और भी बड़े बड़े वीडियोस लाती रहूंगी, सो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।